21 कुकिंग टिप्स, छोटी मगर बड़े काम की ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर 1, नमक दाल गलने के बाद डालें। नंबर 2, दही जमाने के लिए जामा नहीं है तो गुनगुने दूध में 1 हरी मिर्च डालकर रखने से भी दही तैयार हो जाता है। नंबर 3, ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप सत्तू मिला लें, इससे ग्रेवी तो गाढ़ी होगी साथ ही टेस्टी भी हो जाएगी। नंबर 4, पकौड़े बनाते समय अगर उसके घोल में 1 चुटकी अरारोट और थोड़ा गर्म ऑयल मिला दिया जाए तो पकौड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। नंबर 5, पकौड़े सर्व करते समय इन पर चाट मसाला छिड़के, इससे अधिक टेस्टी लगते हैं। नंबर 6, भिंडी को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। नंबर 7, नूडल्स उबालते समय उबले हुए पानी में थोड़ा सा नमक और तेल डालें और निकालने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धोएं, नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। नंबर 8, रायते में हींग जीरा भूनकर डालने की बजाय अगर हींग जीरे का तड़का लगाएं तो रायता ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। नंबर 9, राजमा और उड़द की दाल बनाने के लिए पानी में उबलते समय नमक नहीं डालें, जल्दी पकेगी। नंबर 10, पराठे को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला आलू कद्दूकस करके मिला लें। नंबर 11, पूरियां खस्ता बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, इससे पूरियां खस्ता बनेगी। नंबर 12, आटे में 1 छोटी चम्मच चीनी डालकर आटा लगाने से पूरियां पुली पुली बनती है। नंबर 13, पनीर अगर टाइट हो तो उसे चुटकी भर नमक मिले हुए गुनगुने पानी से 10 मिनट के लिए रख दें, पनीर नरम हो जाएगी। नंबर 14, चावल पकाते समय पानी के साथ नींबू का रस मिलाने से चावल अधिक खिले खिले सफ़ेद व टेस्टी बनते हैं। नंबर 15, प्याज को फ्राई करते समय हल्की सी चीनी डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। नंबर 16, 1 कप नारियल पानी में 2 ब्रेड और 1 चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर लें, इससे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है। नंबर 17, पराठे अगर ऑयल या घी की जगह बटर में सेके जाए तो अधिक टेस्टी बनते हैं। नंबर 18, तंदूरी चपाती को नर्म बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला लें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं, तंदूरी चपाती सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। नंबर 19, दाल के चीले बनाते समय घोल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला दें, चीले खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे। नंबर 20, इडली डोसे का मिक्स खट्टा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूध मिला ले, खट्टापन निकल जाएगा। नंबर 21, पनीर बनाने के बाद बचे हुए पानी से आटा लगाने से तंदूरी चपाती नरम बनती है। तो देर किस बात की, आज से ही इन टिप्स को अपनी कुकिंग में शामिल करें और टेस्टी खाना बनाएं। अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।